Okay, so now I'm on this beast of a bike, the 2017 RC390 with the Powertronic ECU. It's fast! Holy shit! Oh! Fuck, man! This thing is a fucking rocket! Crazy pull! Holy man! The brakes are amazing, the pickup is amazing. And this exhaust note is sick. It's an SC Project replica. Amazing bike, man. This is an experience. This thing has strong brakes. Look at it go. Thing it has 178. Holy f man, this bike is crazy. That's a stock RC390. This thing just flies past it. I can do this all day. So f***ing amazing. Iske brakes ka bite itna zyada hai, jahan maru front end just dives in. I think I'll give it back to him now. I don't know whether he's enjoying the Duke or not, but I am loving this bike. Holy shit, man, the 390. Wow, I enjoyed this. Just look at this exhaust. This is the SC Project end can. Amazing. भाई क्या pickup है? गोली. भाई मजा आ गया. और पता है confidence इतना ज़्यादा मिलता है ना इसको चलाने में. Michelin tire. मैं पूरा अंदर होके बैठा हुआ था बस भाग रही थी ये. But इसको 10,500 से ज़्यादा ऊपर ले जाने का फायदा नहीं है क्योंकि वो मर जाता है फिर इंजन. वो कम हो जाता. क्या?
कौन से गियर पे ले गया? सिक्स गियर में ही ऑब्वियसली 170. मैं कह रहा था हां कि पावर बैंड का फायदा नहीं है वो, सिर्फ एक पॉइंट तक आते हैं भाई. ये तो 200 है ना? हां इसकी स्पीड कितनी है? ये 147 टच करी मैंने आज भाई. मैं तो नहीं कर पाया, तेरे स्पीड सेंसर ऑफ करना. हां ऑफ करना पड़ता है. अरे मैं बहन नहीं, फिर वो 135 हो जाएगी. बट काफी ज्यादा फर्क पड़ गया है पावरट्रॉनिक से ना. अरे जहाँ खींचता हूँ ना पूरी उठ के भागने लग जाती है भाई. ब्रेकिंग भी इतनी अच्छी है ना, जहाँ दबाओ पूरी वहीं रुक जाती है, एंकर जैसे गिरा दिया. पता है क्या सीन है? दीज आर ब्रेम्बो डिस्पैच. अच्छा फॉर 1700. ये चेंज करवाए जो स्टॉक में? KTM में ही आ. अच्छा स्टॉक. अब आजकल दे आर प्रोवाइडिंग 1700 ब्रेक पैड फॉर द फ्रंट ओनली. अच्छा पीछे के तो नॉर्मल. ये 320 mm है ना? हां 320 mm डिस्क साइज भी बड़ा कर रहा है. हां और ये पैड भी दिए. अच्छा ये वाले अच्छे वाले डेटोना में लगते हैं. अच्छा हां काफी ज्यादा बाइट है इसका, मतलब जहां दबाओ ना वहीं पे पूरी अंदर हो जाती है. Look at that exhaust, man. It looks. पूरी बाइक इतनी सही लगती है ना, एकदम सिंपल वाला मिनिमलिस्टिक थीम. हो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंकफुली वी वर हियर एट द एक्सप्रेस वे, तो आई वाज एबल टू पुश दैट बाइक टू इट्स लिमिट्स. पता है मैं शायद 10,500 या 11,000 RPM के करीब पे था व्हेन आई टच 178, एंड उसके बाद इसका पावर ख़त्म हो जाता है. देयर इज अ ड्रॉप इन द पावर. सो ऑल्दो द RPM गोज ऑल द वे टू 12,000, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग इट ओवर देयर बिकॉज यू आर इवन रूइनिंग द इंजन एंड यू आर ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी सिग्निफिकेंट पावर आउटपुट बियॉन्ड दैट पॉइंट. सो वही है, 178 तो हंसते हंसते चली गई थी. और यार मेरे बाइक का भी पिकअप इतना अच्छा है, पता है इवन विद द 15T स्प्रॉकेट अच्छा खासा भाग रही है. मतलब कहीं ऐसे नहीं लगा कि पिकअप लैग कर रही है या ऐसा कुछ. सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम वेटिंग टू रीच 4K सब्स. एक वीडियो तैयार कर रखा है मैंने सिनेमैटिक सा, तो 4K सब्स पहुँचते ही वो वीडियो मैं पोस्ट करूँगा. एंड या इफ यू लाइक द वीडियो लाइक इट, कमेंट डाउन योर ओपिनियंस एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय.